अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। आज के इस एपिसोड में हम क्या बना रहे हैं? हम बहुत ही मज़ेदार से वेजिटेरियन बर्गर्स बनाएंगे सॉस के साथ, और क्या क्या चीज़ें हम डालेंगे वो देखिएगा, पूरे एपिसोड में मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो हम एयर फ्रायर का इस्तेमाल करेंगे हायर का, और उसमें हम आज लेमन केक बनाएंगे, तो देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा। अच्छा जी, सबसे पहले इसको हम प्रीहीट करना है, ठीक है जी। 160 डिग्रीज मैंने कर दिया है, और यहाँ मैंने 20-25 मिनट रख दिया है, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है। फिर ये टिन है, स्प्रिंग फॉर्म टिन, लूज बॉटम टिन भी इसको कहते हैं, किसी भी चीज़ में आप करिएगा, वॉट एवर फिट्स इनटू द बास्केट। तो मैं रैमेकिंस भी रख सकते हैं, हम ये भी रख सकते हैं, ठीक है, ओके। और जो रेसिपी बुक इन्होंने दी हुई है हायर की, एयर फ्रायर की रेसिपी बुक, जिसमें बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं, नान खटाई है, चॉकलेट केक है, पनीर है, भिंडी है, कॉर्न रोल्स हैं, वेजिटेरियन क्रोकेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हम 14 नंबर की रेसिपी जो है चॉकलेट केक की, उसी का मेथड फॉलो करके आज लेमन केक बनाने जा रहे हैं। सो ज़रूर देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। इसका बैटर मैं रेडी कर देती हूँ। इसके बैटर के लिए मेरे पास यहाँ जो अज्जा है वो मैं आपको बताती हूँ। 150 ग्राम मेरे पास मक्खन है फीका अनसॉल्टेड, 2/3 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, 2 अदद अंडे हैं, 1.5 कप मैदा है, उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और उसको हम सेल्फ रेजिंग फ्लावर बना देंगे, और लेमन का छिलका है और लेमन का जूस है। मक्खन और चीनी, बेकिंग पाउडर मैदे के साथ मिक्स कर देते हैं। दो अंडे हैं, एक के बाद एक डालिएगा। साइड्स में से अंदर हमेशा करते हैं, बिकॉज साइड में सारी चीजें अंदर रह जाती हैं। अब मैदा और बेकिंग पाउडर, और यहाँ मेरे पास है नींबू का छिलका, छोटे से ग्रेटर या इस तरह का लेमन जेस्टर या वॉट एवर यू हैव। आप सोचेंगे ये थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत एक अच्छा सा फ्रेश सा टेस्ट आता है। इसी तरह आप दूसरे केक्स भी बना सकते हैं हायर के एयर फ्रायर में। लेमन जूस जाएगा, अच्छी तरह मिक्स करिए। मैदा डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करते हैं, ठीक है, बीटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। अच्छा जी, अगर बैटर कभी भी इस तरह ड्राई लगे ना, तो थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया करें। थोड़ा सा तेल लीजिए और टिन को आपने ग्रीस करना है। साइड्स को, बेस को, ठीक है।
थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, सो वी जस्ट वाइप दिस। और बैटर जो है वो आप रखिए केक टिन में। मेक श्योर पहले से कि टिन एयर फ्रायर की बास्केट में फिट आए, ठीक है। अब जब ये एयर फ्रायर अच्छी तरह प्री हीट हो जाएगा, केक को एयर फ्रायर में रख देते हैं। एंड ये बेक होगा आप, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको रैमेकिन्स में डाल के रखें अवन में, तो वो भी बिल्ट इन अवन में भी आप कर सकते हैं। आप इस केक को माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, बिल्ट इन माइक्रोवेव जो हायर का है। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अब हम क्लीन अप की तरफ चलेंगे और फिर हम वेजिटेरियन बर्गर्स बनाना शुरू करेंगे। बहुत आसान है, लेकिन ज़रा थोड़े से स्टेप्स हैं। तो आप देखते रहिए हमारा शो हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो और मसाला टीवी। मैं हूं आपकी जारनक सिद्वा, और हमने 160 पे प्री हीट किया था हायर के एयर फ्रायर को, अब 200 डिग्रीज पे कर लिया है, ठीक है। केक हमारा लेमन केक अंदर बेक हो रहा है। अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ मैंने 4 से 5 आलू लेके उसको बॉयल करके मैश कर दिया था। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे, इसमें आप मटर डालिए, मकई डालिए। ये मटर है, इसका मकई का ज़रा पानी निकाल देते हैं अच्छी तरह। मकई डाल दीजिए, ठीक है। गाजर है कद्दूकश की हुई, शिमला मिर्च है चॉप की हुई, बहुत बारीक फाइन चॉप। अच्छा जी, और क्या है जी, प्याज है, थोड़ी सी प्याज है चॉप की हुई। सो आलू है बॉईल करके मैश किए हुए, मटर है, गाजर है कद्दूकश किया हुआ, मकई हमने इसमें डाला है, छोटी सी शिमला मिर्च है, थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। ये सारी चीज़ों को आपने मिक्स करना है, या तो आप सब कुछ फूड प्रोसेसर में डाल दीजिए, हाथ से आपने इसके पैटी बनाने हैं। 4 बर्गर्स हैं तो 4 पैटी हम बनाएंगे। अच्छा जी, अब और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, नमक जाएगा, पेपरिका पाउडर जाएगा। आलू बॉईल करते वक्त मैंने कुछ नहीं डाला था, ठीक है। पेपरिका पाउडर कलर अच्छा सा आता है, और ज़ीरा है, ज़ीरा पाउडर कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा भी आप डाल सकते हैं इसके साथ साथ। और मुझे क्या करना है इसमें, जी हाँ, यहाँ है ब्रेड क्रम्स और यहाँ है मैदा। मैदा हम एक बोल में शामिल करेंगे, इसमें फिर हम पानी डालेंगे और मैदा और पानी का पेस्ट बनाएंगे, जिसमें इन वेजिटेरियन बर्गर के पैटी को हम मिक्स करेंगे। जग में से कभी भी नहीं डालते हैं, बिकॉज फिर जग में बहुत सारा पानी आ जाता है, इसे हमेशा अलग से बोल में देते हैं। आप ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं, अंडा लगा सकते हैं, लेकिन अगर वेजिटेरियन हैं, अंडा नहीं खाते हैं, तो फिर उनके लिए या सूजी लगा दें या इस तरह मैदा पानी, ठीक है जी। ये हो गया, सो मैदा पानी है, ब्रेड क्रम्स हैं, ये है हमारी सारी सब्ज़ी मसालों के साथ। सो हमें इसके पैटी बना के हाथ से इसमें डिप करना है, क्रम्स में कोट करना है और शैलो फ्राई कर देना है। सब्ज़ियाँ कोई भी कच्ची नहीं है, तो आप वैसे भी खा सकते हैं।
जब हम इसको असेंबल करेंगे तो मेरे पास यहाँ टमाटर के स्लाइसेस हैं, थोड़ा सा चीज़ भी इसमें जाएगा, गरम गरम पैटी के ऊपर आप चीज़ डाल देंगे वो पिघल जाएगा, फिर ये अचारी खीरे हैं, हैलपिनोज हैं, मस्टर्ड है, मेयोनीज है, लेकिन आप सोचेंगे कौन सी मेयोनीज है, थोड़ी सी पुदीने की चटनी वाली मेयोनीज है, मिंट फ्लेवर मेयोनीज है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मुख्तलिफ हमेशा होना चाहिए, कुछ ना कुछ टेस्ट। प्याज है और मेरे पास यहाँ वेजिटेबल्स ग्रिल करनी है, सो वेजिटेबल्स ग्रिल करने के लिए मेरे पास यहाँ बैंगन है, ट्रू वेजिटेरियन बर्गर बनेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक ग्रिल पैन पे हम थोड़ा सा तेल लगा के इन वेजिटेबल्स को हम ग्रिल कर देंगे, ठीक है। ऑलिव ऑयल के साथ भी कर सकते हैं। प्याज और बैंगन वो हम ग्रिल करेंगे। आप दूसरी कोई वेजिटेबल्स ग्रिल करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। मैं टमाटरों के स्लाइसेस को ऐसे ही रखूंगी। सो हमेशा कुछ ना कुछ मुख्तलिफ बनाया करें मुख्तलिफ तरीकों से। ट्रू वेजिटेरियन बर्गर्स ये बनेंगे इस तरह, ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। बड़े आपको बैंगन मिले तो बड़े बड़े स्लाइसेस भी अच्छे लगेंगे एक एक बर्गर पैटी पे। एक तरफ से हो जाएगा, फिर हम प्याज भी कर देंगे। यहाँ मेरे पास शिमला मिर्च भी है। ओके जी, जब तक मैं यहाँ ग्रिल कर रही हूँ सब्जियों को, प्याज है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। आई कैन स्मेल द केक। और यहाँ पैटीज जो हैं वो सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करके मैदे और पानी में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करके, फिर आपके सामने हम उसको शैलो फ्राई कर देंगे तेल में एक पैन में, और फिर ये वेजिटेरियन बर्गर्स हम असेंबल करेंगे। सो ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। देखते रहिए हमारा शो हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो और मसाला टीवी, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक। अब हम क्या करेंगे, देखें ऑयल इसमें डाल देते हैं बिकॉज हमें शैलो फ्राई करना है हमारे वेजिटेरियन बर्गर पैटी को। और इसमें हम थोड़ा सा मक्खन ले लेते हैं मीनवाइल। ठीक है, बर्गर बंस को यहाँ टोस्ट करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। अब आप देख लीजिए ये इस तरह हमने बना लिए हैं, ठीक है। इसको आपने मैदा और पानी में डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। थोड़ा सा पानी और मुझे चाहिए। केक हमारा अभी हो रहा है, ठीक है। इस तरह आप करते जाइए, मैदा और पानी दोनों तरफ लगाइएगा और फिर ब्रेड क्रम्स में इसको कोट कर दीजिए और इसको फ्लैट करके शैलो फ्राई कर दीजिए। मक्खन वाला चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, हाथ धो के फिर मैं टोस्ट कर दूंगी बर्गर बंस को, ठीक है। अगर अंडा नहीं लगा सकते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, फुल वेजिटेरियन करना है फॉर योर फैमिली और फ्रेंड्स और एनीबडी, तो इस तरह करिएगा। यहाँ मक्खन हो गया है तो जो हमारे बंस हैं उनको हमें टोस्ट करना है।
अच्छी तरह इसको टोस्ट कर दीजिएगा और निकालते जाइएगा। अच्छा, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स देख लीजिएगा, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और बैंगन मैंने किया था, पैटी के ऊपर जाएगा ये। इसको टर्न कर दीजिएगा और हम रिकैप ब्रेक की तरफ भी चलते हैं, फिर आके हम इन वेजिटेरियन बर्गर्स को असेंबल करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा शो ऑन मसाला टीवी। एयर फ्रायर लेमन केक, अज्जा, मक्खन 150 ग्राम, कास्टर्ड शुगर 140 ग्राम, मैदा 225 ग्राम, अंडे 2 अदद, लीमू का छिलका पिसा हुआ 1.5 खाने का चमचा, लीमू का रस 80 मिलीलीटर। तरकीब, गोल बेकिंग पैन ग्रीस करके इस पर बेकिंग पेपर लगाएं, फिर बैटर की मदद से मक्खन, चीनी, मैदा, अंडे, लीमू का रस और लीमू का छिलका फेंट लें। उसके बाद इसे पैन पर डालें और एयर फ्रायर में डालकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 25 मिनट बेक करके सर्व कर दें। वेजिटेरियन बर्गर पैटी बनाने के अज्जा, उबले आलू 3 अदद, उबले मटर 1.5 कप, उबले कॉर्न आधा कप, कद्दूकस गाजर 2 अदद, प्याज 1 अदद, हरी शिमला मिर्च 1 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, पानी 1.5 कप। ग्रिल्ड वेजिटेबल्स के लिए जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, लौकी 1 अदद, टमाटर 2 अदद, प्याज स्लाइस्ड 2 अदद, शिमला स्लाइस्ड 1 अदद, नमक मिर्च हस्बे जायका और ओरिगानो चुटकी। असेंबल के लिए अज्जा, मेयोनीज हस्बे ज़रूरत, बन हस्बे ज़रूरत, लेटस 1 अदद, जर्किंस हस्बे ज़रूरत, हलिपिनो हस्बे ज़रूरत, मस्टर्ड हस्बे जायका, चीज़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब, पैटी के तमाम अज्जा को मैश करके मैदे में रोल करके पानी में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में रोल करके शैलो फ्राई कर लें। अब तमाम सब्जियों को बेकिंग ट्रे में डाल के ग्रिल कर लें, फिर बर्गर बन को सेक लें। उसके बाद बर्गर पर मेयोनीज लगाएं और लेटस रखें और मेयो लगा लें। अब इस पर पैटी और सब्जियां डालें और सर्व करते हैं। आपने यकीनन रीकैप देख लिया होगा रेसिपीज का और हायर के एयर फ्रायर में हमारा लेमन केक भी रेडी है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट आउट राइट नाउ, इसको इधर ही रहने देते हैं, मुझे जल्दी है क्योंकि मुझे वेजिटेरियन बर्गर्स फिनिश करने हैं। देखें कितने अच्छे से ये टोस्ट हो गए हैं। सिर्फ मैंने मैदा और पानी का मिक्सचर लगाया था अंडे की जगह और उसके ऊपर क्रम लगा दिया था। सारे ग्रिल वेजिटेबल्स हमारे यहाँ हैं, मस्टर्ड है मेरे पास, हैलपिनोज हैं, गर्किन्स हैं यानी कि अचारी खीरे, चीज़ है, थोड़ा सा ओरिगैनो है, मिंट फ्लेवर की मेयोनीज है और हमारे पास यहाँ सलाद के पत्ते हैं। इसको मुझे जल्दी जल्दी अब असेंबल करना है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मिंट वाली जो फ्लेवर की मेयोनीज है वो हम इस पे लगा देते हैं, ठीक है, दोनों बंस पे, बिकॉज नॉर्मली फिर क्या होता है ऊपर वाला जो बन होता है वो बहुत ड्राई सा लगता है। सो हियर वी गो, ये हो गया। अच्छा, अब एक एक पैटी उठा के आपने रखना है बेस पे, ठीक है। इसके ऊपर आपने ग्रेट की हुई चीज डालनी है, फिर थोड़ा सा जस्ट लिटिल डॉट मस्टर्ड का जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखिएगा। फिर ये है हैलपिनोज, ये हैं अचारी खीरे या गर्किन्स, थोड़ा सा ओरिगैनो जाएगा। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, जरूर इसको आप ट्राई करिएगा। अच्छा जी, अब क्या रहता है, दीज लवली ग्रिल वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रिल वेजिटेबल्स हैं यहाँ और यहाँ हैं सलाद के पत्ते। सो
सलाद के पत्ते यहाँ रख देते हैं ताकि वो स्टिक होने में आसानी रहे, और आपने मिक्स करके इसको यहाँ ऊपर डाल दें। कोई भी सब्जी आप यूज़ कर लें, ग्रिल की हुई होगी तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा, बहुत डिफरेंट लगेगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड नाउ हम यहाँ मैंने चटनियाँ रख दी हैं, चिली गार्लिक सॉस है, ग्रीन चटनी है, केचप है, उठा के आराम से इसको इस तरह करिए, प्रेस डाउन करिए एंड पुट दिस हियर। ये आपके ग्रिल वेजिटेबल्स के साथ वेजिटेरियन बर्गर्स हो गए रेडी। ठीक है, और साफ प्लेट पे एवरीथिंग इज डन ग्रिल वेजिटेबल्स के साथ ये वेजिटेरियन बर्गर्स, समथिंग डिफरेंट फॉर यू टू ट्राई। ठीक है, ओके, केक को ज़रा मैं थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, फिर आप लोग ब्यूटी शॉट्स में देख लीजिएगा। और इसी के साथ आई थिंक विल एंड आवर शो एज वेल। आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त, मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में, तो देखना मत भूलिएगा हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विथ मी ज़ारनक सिद्वा। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।